उसने एक मुझे एक संस्कार दिए कि अपने रूट से नहीं हटना चाहिए, तो रंगली का रूट प्लान बी था, तो रूट से हटेंगे तो प्लान बी से हटेंगे तो कैसे पॉसिबल होगा, तो रंगली तो खड़ी हुई है उसके ऊपर. Plan B's association with Rangli is 100% straight from the heart, and it is a support for no one else, none else, commercially nahi sochke, but then again for a true artist and a true human being whose family as well. So what would you like to say for the song? Of course, since it's part of your own team, what would you like to say about the song? Very colorful and very original, and I think it's going to go in the right direction. Wow. Richa ji, aapse jaanna chahenge, co-producer, Honey ji, what would you like to say? You'll be a part of so many, unlimited, matlab ginti nahi hai. To aap kya kehna chahenge aapki association ke baare mein, Plan B ke saath? See, it's been 20 years to being in this industry, and I'm very happy कि मेरी इस जर्नी में एक और साथी हमारे साथ जुड़े हैं. और क्योंकि जब हम जर्नी स्टार्ट करते हैं तो बहुत से लोग हमें उस यात्रा में मिलते हैं, उसमें कुछ ऐसे होते हैं जो अगले स्टेशन पे उतर जाते हैं, कुछ मंजिल तक पहुंचते हैं. सो आई गेस कि ये हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे आखिरी मंजिल तक हमारे साथ रहें, और हम मिल के चाहे वो प्लान भी हो, चाहे वो ऋचा शर्मा हो, चाहे अच्छा संगीत हो, हम लोग मिल के कुछ अच्छा करें और अच्छा म्यूज़िक, अच्छा संगीत अपना आगे ले जाएं, उसको प्रमोट करें. दैट इज़ इंडिपेंडेंट म्यूज़िक. अनुराग, आज की जो टीम थी आपकी, दी ऋचा शर्मा एंड हरदीप जी, क्या कहना चाहिए, आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका रंगली पर? आई थिंक सुपर जोड़ी बहुत अच्छी है. अधिक तो नॉर्मली ऐसा होता है प्रोड्यूसर को प्रोड्यूसर, कोई कहाँ जा रहा है कोई कहाँ जा रहा है, लेकिन यहाँ जो तीन चार क्वेश्चंस हुए हैं उस बात का प्रतीक है कि फ्यूचर में मतलब 5-6 साल तक तो मैं हर 6 महीने में एक गाना ज़रूर सुन पाऊँगा इन दोनों के प्रोडक्शन में. और मैं चाहता हूँ कि इसी प्रकार से और गाने आते रहें, और रेडियो के लिए, अपनी इंडस्ट्री के लिए, टीवी के लिए बहुत ज़रूरी कि अच्छे गाने आएँ. और हरमीक जैसे अगर इसमें प्रोड्यूसर हमारे साथ में जुड़ जाते हैं तो हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ग्रोथफुल और अच्छा रहेगा. और ऋचा जैसी कलाकार अगर मिल जाएँ तो बहुत अच्छी बात है कि हमारा हिंदुस्तान को एक नए नए गाने मिलते रहेंगे, और ऐसे प्रोड्यूसर और ऐसे आर्टिस्ट मिले तो और क्या चाहिए यार. दैट इज़ रियली स्वीट. अनुराग इज सेइंग दिस बिकॉज यू नो अनुराग को मैं पिछले 15 सालों से जानती हूँ, और ही इज़ डूइंग हिज जॉब लाइक, मतलब लोग पागल हैं. आप इनके ट्विटर अकाउंट पर जाइए, इनके फेसबुक पेज पर जाइए, पीपल आर मैड अबाउट हिम. इनका ये मतलब इनकी आवाज़ से लोग इनके लिए पागल हैं जब मिलते हैं. इज़ सच अ वंडरफुल पर्सनैलिटी. और वो अगर ऐसे, और ही बेस्ट पार्ट की वो म्यूज़िक को बहुत गहराई से समझते हैं. उनका शो तो पिक्चर पांडे इज़ द बिगेस्ट शो ऑन द रेडियो स्टेशन फीवर 104 पे. लोग वेट करते हैं कि कब अनुराग और वो ऐसी बात करें. इट्स अ वेरी गुड विशेज फॉर अस, इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर. Thank you, Anurag. और मेरी कोशिश रहेगी कि अच्छा, मेरा एक गाने पे ऑलरेडी काम स्टार्ट हो चुका है, और पहले मेरे ख्याल से ही इज़ डूइंग समथिंग एल्स ऑल्सो, लेट हिम फिनिश दैट फर्स्ट. सो उसके बाद मेरा गाना भी नेक्स्ट मंथ के एंड तक, यानी कि अक्टूबर एंड तक वो कंप्लीट हो जाएगा. कंप्लीट तो खैर अक्टूबर मिड में हो जाएगा, थोड़ा उसको फिनिशिंग करके विल मेक एक सेशन की जहाँ पे वो सुने, और एक सक्सेस पार्टी हमारी रहेगी. आई डोंट नो, वो हम लोग दुबई करेंगे एंड इंडिया करेंगे, तो वो हम लोग डिसाइड करेंगे. वहाँ पे आई विल प्ले, दैट विल बी सरप्राइज फॉर हिम कि वो गाना सुन के तो ये मतलब पागल हो जाने वाले हैं. वो गाना समथिंग ऐसा कि ऋचा के जो फैंस हैं या ऋचा को प्यार करते हैं या म्यूज़िक को प्यार करते हैं वो शायद वेट कर रहे हैं, उनका इंतज़ार ख़त्म होगा उस गाने से. पर मैं एक लास्ट आप लोगों से प्रॉमिस चाहता हूँ. हाँ प्लीज़. कि वो जो 6 महीने की बात थी जी, वो क्या ऐसा प्लान करेंगे आप लोग कि हर साल 2 गाने हम लोग आपसे पा पाएँ? हाँ, ये वादा करना पड़ेगा आपको. बिल्कुल वादा है, और हम लोगों की कोशिश, क्योंकि हम लोग तो अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कभी कुछ सक हम चार्जेस उल्टे से दो हो जाते हैं, बट इन दिस केस, क्योंकि यहाँ पे खाली एक प्रोड्यूसर और एक सिंगर का रिश्ता नहीं है, यहाँ पे दे हिज वाइफ, इवन द स्टाफ जिनके यहाँ काम करते हैं वो भी मेरे से इतना प्यार से, यहाँ पे एक पारिवारिक रिश्ता है, यहाँ पे वो
वो ऑफिस ऑफिस टाइप नहीं है, मतलब मैं आई अगेन फाइड विद हिम, मतलब इट्स लाइक अ फैमिली, इट्स लाइक अ ब्रदर टू मी, सो वो कोई ऐसा नहीं है, बिल्कुल घरेलू वाली बात है। चलिए मेरे ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ, मेरी ओर से भी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।